ट्वेल्थ में मेरे को बहुत कम परसेंट आया, घर पे बहुत सुनाया था मेरे को कि वीडियोज ही बना रहे यही वही वही, तो मैं ऐसे एक दिन के लिए घर, एक दिन भी नहीं, दो घंटे के लिए घर छोड़ के गया था। एक मिनट, दो घंटे के लिए घर छोड़ के गया? Hey guys, I'm Mihir Joshi. Welcome to another episode of the MJ Show. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीजन है मेरे लिए क्योंकि अगस्त में MJ Show 10 साल का हो जाएगा, विल बी 10 years old and I'm getting some of my favorite content creators, singers, artists on this season of the MJ Show. Now, आज का जो मेरा गेस्ट है, ऑफकोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई मिस्ट्री नहीं होती क्योंकि आप वीडियो का नाम देख लेते हो, आप थंबनेल देख लेते हो, तो यू नो हु माई गेस्ट टुडे इज, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम ऑन बिकॉज इन अ वे इन माई हेड इट फील्स लाइक अ पार्ट टू टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन एंड दिस गोना बी अ पार्ट थ्री एज वेल, दो दे इधर लाइक यू नो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे अलग अलग मूवीज होते हैं, अलग अलग सुपर हीरोज होते हैं, मे बी बाद में एक कोई एक यू नो लाइक अवेंजर्स असेंबल जैसा एक ऑरेंज जूस असेंबल वीडियो भी बनाएंगे विद ऑल सिक्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द गैंग, पर आज ऑरेंज जूस गैंग का दूसरा मेंबर है मेरे साथ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव हिम ऑन द शो. वेलकम ऑन द एमजे शो द एक्सट्रीमली फनी सौरभ गाड़गे. सौरभ वेलकम, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो. द रीजन आई सेड दिस फील्स लाइक पार्ट टू और लाइक यू नो वही वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे आयरन मैन का मूवी नील के साथ हुआ, अभी अभी स्पाइडरमैन का मूवी बनाने का है, फिर एक हल्क का बनाएंगे, फिर हल्क आएगा, फिर सब लोग का साथ में लाएंगे. लाइक आई टोल्ड नील, फर्स्टली आई वांट टू जस्ट कांग्रेचुलेट यू मैन, यू गाइस हैव बीन डूइंग सच अमेजिंग वर्क, योर कंटेंट इज जेन्युइनली फनी, लोगों को हंसाता है, लोगों को एंटरटेन करता है, मुझे कितना एंटरटेन किया है ड्यूरिंग दीज लास्ट कपल ऑफ इयर्स, आई एम टेलिंग यू आई हैव लव्ड योर वर्क. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सो इट्स गुड टू हैव यू ऑन द शो. जैसे मैंने कहा ये वाला सीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वही लोगों को मैं बुलाने वाला हूं जो मुझको असली में बहुत पसंद आते हैं. थैंक यू, मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच. सो लेट्स गेट इनटू इट. लाइक आई से ऑलवेज कि जैसे अभी सुपर हीरोज की बातें की है तो हर एक सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है. आई वांट टू फाइंड आउट अबाउट योर ओरिजिन स्टोरी टू बिगिन विद. हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन? आई नो दैट यू बीन मेकिंग कॉन्टेंट फॉर 7 years, बट आई एम सेइंग बिफोर दैट ऑल्सो ये पूरी जो कहानी है सौरभ गाड़गे, ये जो कैरेक्टर अभी बना है जो लोगों को इतना पसंद है, ये यहाँ तक कैसे आया? तो या ऑब्वियसली सबकी एक जर्नी होती है एंड मेरी जर्नी ऐसी चालू हुई 2016 में. सो आई हैव बीन वॉचिंग यूट्यूब एंड ऑल, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था इट वॉज 2013 समथिंग, तब से या उससे पहले भी 2012 से बहुत टाइम से यूट्यूब हम देख रहे हैं, और तभी ऐसा कोई तभी बड़ा यूट्यूबर इंडिया में कोई था नहीं वो टाइम पे एकदम. सो व्हेन आई केम इन कॉलेज 2015 था, तभी भुवन बाम, आशीष ऐसे मोस्टली सेन, ये कैरी मिनाटी, तो इन सबको मैं बहुत बहुत बिंज वॉच करता था, और मैं इतना देखता था कि मुझे ऐसा हुआ कि यार ये जो कर रहे हैं ना वो मुझे देखने में मज़ा आ रहा है. और बचपन से ही मैं ऐसा एकदम वो किड होता है ना जो बहुत मस्ती करता है, बहुत मतलब लिमिट नहीं हुई वो मस्ती की लाइक. और तभी कैसे हम ऐसा नहीं था कुछ कि यार मैं ये करूँगा तो शायद इसको बुरा लगेगा, एक वो ये था तभी, एक नादानी होती थी, हम बच्चे थे, हम समझ नहीं पाते थे कि यार ये मस्ती थे शायद ये ऑफेंड हो सकता है, तभी वो इतना कुछ था नहीं. तो मैं बचपन से बहुत मस्ती करता था, बहुत मतलब भी बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे को शायद बचपन से ही एक्टिंग में जाना था या कंटेंट क्रिएशन, तभी तो था भी नहीं कंटेंट क्रिएशन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था. जैसे टाइम आगे आगे गया एंड आई यूज टू एन्जॉय मेकिंग पीपल लाफ, तो क्लास में भी, मेरे स्कूल में भी आई वॉज दैट वन किड की जब शांत क्लासरूम में कुछ तो ऐसा कुछ तो आवाज निकाल के कुछ तो करके डिस्टर्ब करूंगा, लोगों को हंसाना है बस, उसके लिए चाहे भले क्लास से बाहर निकाल दो मेरे को चलेगा, लेकिन क्लास से बाहर मेरे को अकेले जाना नहीं होता था. हाँ, क्योंकि मैं क्लास और को भी पकड़ा, मैं हंसाऊ मैं करूँ क्या अकेले, मैं करूँ क्या बाहर, ये तो हंसाना है मुझे अंदर जाके कुछ तो मस्ती, तो मैं बाहर से भी कुछ मस्ती करता था. हाँ, तो ये मम्मी डैडी को बुलाते थे, बहुत बहुत कुछ करते थे, लेकिन क्या एंड ऑफ द डे माफ कर देते थे. तो ये मैंने फाइनली मैंने जब कंटेंट देखना चालू किया, लाइक रियल कंटेंट जब लोग बना रहे थे, फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे भी लोग हंसा सकते हैं. हाँ, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, पहले तो मुझे लगा मैं ही हंसाता हूँ सबको, तो इनको देख के सो बेसिकली पहले मैं डब स्मैश वो था तभी वो बनाता था मैं. हाँ, और मैं ग्रुप में डाल देता था मेरा, हम लोग का जो फ्रेंड्स का ग्रुप था जिसमें मैं था, मेरा जो दोस्त है श्रवण, तो हम सब उसमें थे. हाँ, तो मैं ऐसे ही डाल देता था, और फिर ऐसे मैंने खुद के एक दो वीडियो बनाए, तभी इंस्टाग्राम वॉज लाइक 15 seconds रील्स, करेक्ट, रील्स कुछ नहीं था इंस्टाग्राम पे, IGTV तक नहीं था, करेक्ट, बस यू कैन पोस्ट एनीथिंग बट अप टू 15 seconds एंड फोटोज, दैट्स इट. तो वही एक था,
और मेरा अकाउंट भी प्राइवेट था, 300 फॉलोअर थे मेरे ऐसा जो आसपास के, मैं मुलुंड में रहता, तो मुलुंड ईस्ट वेस्ट जो है बस उतने ही लोग, थाने थाने में भी कौन रहता है वो भी नहीं पता था मुझे। तो धीरे धीरे मैं खुद के वीडियोज़ बनाने लगा जिसमें मैं खुद कुछ करता था, मैं लड़का बनता था, लड़की बनता था। ऑब्वियसली इट वॉज इंस्पायर्ड टोटली फ्रॉम सम यूट्यूबर्स एंड ऑल, बिकॉज उनको देख के, और तभी फेसबुक वॉज काफ़ी ट्रेंडिंग, तो फेसबुक पे भी काफ़ी यू नो पाकिस्तानी क्रिएटर्स थे और ऐसे बाहर के जो इंडियन जो बाहर रहते ऐसे बहुत क्रिएटर्स थे, तो उन सबको देख के मैं कुछ कुछ बनाता था कि ऐसे भी कुछ मैं भी बना सकता हूँ, कि अभी मैं भी कुछ रियल लाइफ में जोक मार रहा हूँ तो उस पर कुछ वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट वीडियो ऐसा बनाया था कि वरुण धवन स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा है, हाँ। ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक शॉट था, हाँ। तो मैंने शॉट कैसे लिया, तो एडिटिंग नहीं आता था, कुछ नहीं था, शूट कैसे करते हैं, और मेरे पास फ़ोन भी कोई MI का था कुछ ऐसे, जिसमें नहीं कैमरा वॉज एकदम ही अजीब कैमरा था उसका, हाँ। तो मैंने क्या किया, एडिट नहीं आता था तो मैंने लैपटॉप पे वरुण धवन का यूट्यूब शॉट लगाया, वो रिकॉर्ड किया लैपटॉप पे, रिकॉर्ड किया ऐसे लैपटॉप पे, हाँ। ठीक है, और मेरा अलग से शॉट रिकॉर्ड किया, हाँ। और वो एडिट करके मैंने डाल दिया, तो वरुण धवन स्विमिंग पूल से एकदम हॉट सिक्स एब्स आ रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस बकेट से बाहर आ रहा हूँ और गीला हूँ ऐसे, वो भी एडिट एकदम खराब, एडिट एकदम खराब शॉट, हाँ। लेकिन ये मैंने ग्रुप में डाल दिया मेरे, तो ऐसे दो तीन वीडियो बना के मैंने ग्रुप में डाल दिया मेरे, तो मेरे दोस्त बोलते कि भाई इधर मैं दम है तो भाई तू इंस्टा पे डालना ये, हाँ। तो मैं बोला कि नहीं भाई इंस्टा पे डालूंगा तो लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे ये वो, तो फिर मुझे समझा कि वही पॉइंट है, हंसना ही है, हंसाना ही है लोगों को, exactly. तो मैंने डाल दिया, फिर इंस्टा पे मैंने डाल दिया, और प्राइवेट अकाउंट ही था तो मैं सोचा ओपन कर देता हूँ, क्या तो वायरल चला जाए पहला ही वीडियो तो वो सोच के मैंने डाल दिया। ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, क्या पागल, कुछ भी क्या कर रहा है, कुछ लोग हंसे एंड ये व्हाट द भाई ये वो ऐसे सब बोलने लगे, तो बस मैंने वो डाला, फिर मुझे ना मज़ा आने लगा, तो मेरे पास चार पाँच वीडियो तो थे, मैं वो डाल दिया, हर दिन एक एक डालता था, तो मैं रोज़ बनाने लगा बस कुछ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सेम्स फ़ोन पे सब, हाँ। फ़ोन पे, और वही वो फ़ोन था, वो MI का जो था, एकदम ख़राब क्वालिटी थी, कुछ नहीं एडिट भी, मैं कोई तो एक ऐप था भी मुझे याद भी नहीं आ रहा, वो ऐप बहुत पुराना था, हाँ। और कोई यूज़ भी नहीं करता होगा, मुझे लगता है मैं ही यूज़ करता था वो ऐप, मैं ही एक डाउनलोडर उनका था, तो वो ऐप पे मैं कर देता था एडिट और ऐसे ही डाल देता था, हाँ। तो ऐसे करते करते ना मेरे एक दो महीने में 300 to 1000 फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि और मेरे एरिया के ही लोगों को लगने लगा कि मेरे लोग बताने लगे एक दूसरे, हाँ, को कि भाई इसने वीडियो, हाँ, डाला देख कि भाई तेरे को ये पता है क्या, ये देख ये ऐसे वीडियो बनाते, ऑब्वियसली बहुत लोग पीछे क्या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है क्या है ये सब, हाँ। लेकिन कुछ लोग अच्छे बोल रहे थे और मैं सबको फॉलो बैक करता था सबको, क्योंकि क्या अभी फर्क पड़ता था, अभी सबको फॉलो बैक करता था, जितने मेरे फॉलोअर्स थे उतने ही फॉलोइंग थे, तो ऐसे करते करते बढ़ने लगे धीरे धीरे। मैं तभी 12th में था जब मैंने चालू किया, आई वॉज लाइक अबाउट टू गो इन 12th स्टैंडर्ड, एंड जब धीरे धीरे हो गया, फिर 12th के बाद नो फ्रेंड्स चेंज हो गए, थोड़े अलग अलग कॉलेज में गए, कहाँ पे, where did you study? मुलुंड में ही केलकर कॉलेज है, विच इज लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, लवली, ओके। तो 12th के बाद भी मुझे वही चाहिए था कि मुझे वही कॉलेज मिले, क्योंकि मेरे को ये बनाने के लिए टाइम चाहिए, मुझे भाई एक घंटा ट्रेन में ट्रैवल करो फॉर स्टडिंग, नो करेक्ट, नहीं मेरे से होगा ही नहीं वो, क्योंकि तो सामने भी रह के मैं नहीं जाता था, तो वो अलग बात है। तो फिर मैंने बनाना चालू किया वीडियो, सॉरी मैंने फिर भी मैं बनाता था, लेकिन ये हो गया फिर एक टाइम के बाद ऐसे थोड़ा कम हो गया, फिर जैसे इंस्टाग्राम भी 15 सेकेंड से 30 हो गया, फिर एक मिनट हो गया, करेक्ट, तो मैं भी लॉन्गर फॉर्मेट बनाता गया, मैं यूट्यूब पे भी कभी कभी बनाता था, एंड आई वॉज क्वाइट डेडिकेटेड एकदम, कि मुझे मज़ा आ रहा है बनाते हुए, कुछ मिल रहा नहीं रिटर्न में, थोड़ा बहुत मिल रहा है, ऑब्वियसली आई वॉजंट अर्निंग टिल लॉकडाउन, आई वुड से लॉकडाउन मिड, तब तक कुछ एक रुपया भी नहीं कमाया था, आई वॉज इन्वेस्टिंग जितना मैं कर सकूँ, हाँ। मेरे ऑब्वियसली मम्मी पापा के पैसे से जितना मैं कर सकूँ मैं इन्वेस्ट करके कुछ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो अभी बूस्ट का ऑप्शन होता था अभी भी, करेक्ट, तो बूस्ट करोगे तो थोड़ा और लोग को पहुंचेगा, स्पॉन्सर्ड आता है, करेक्ट, तो 200 रुपीज डाल के 100 रुपीज 120 रुपीज उनका वो 80 का आई थिंक मल्टीपल होता है, 80 160 240 कुछ तो ऐसा है सब, तो वो छोटा छोटा अमाउंट्स भी बहुत फर्क पड़ता था, आई रिमेंबर दैट, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा भी बूस्ट करोगे ना तो इंस्टाग्राम वुड मेक श्योर इट रीचेस एज मेनी पीपल पहुंचता, हां वही, इसलिए आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक हियर टू टेल पीपल दैट दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, कि देखिए शुरुआत जब करनी है ना तब ये मत सोचो कि यार मेरे पास ये कैमरा नहीं है, यार मेरे पास एडिटर नहीं है, लाइट्स नहीं है, माइक नहीं है, अरे कितने सारे लोग हैं, कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो MJ शो पे, शर्ली सेठिया एक iPhone 3 पे या कुछ उस पर अपने वीडियोस शूट करके डालती थी,
श्रद्धा शर्मा अपने फोन पे वीडियो शूट करके डालती थी, इसका फोन तो उसको याद भी नहीं है कितना खराब फोन था, उसके ऊपर उसने वीडियोस बना के डाले. नाउ यू कैन सी वेर यू गो टू. व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी. यार करते रहो, लाइक यू सेड, यू नो यू वर कंसिस्टेंटली पुटिंग अप कॉन्टेंट, विच इज वाई यू वर गेटिंग फॉलोअर्स ऑन द रेगुलर. की यार आज क्या डालने वाला है, कल क्या डालने वाला है. और इफ यू से अरे दो दिन के बाद एवरी टू डेज आई एम पुटिंग अप अ वीडियो, पीपल वुड कम बैक टू सी व्हाट इज ही गोइंग टू डू नेक्स्ट. सो नाउ दैट अननेसेसरी ब्रेक जस्ट हैपेंड, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी. तो बस मैं कंटिन्यू करता था, वो बनाता था मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है काफ़ी सब हेल्प करते थे. मैं किसी को लेता था तभी, मैं ना नील ऑरेंज जूस गैंग कुछ नहीं था, वीडियो भी नहीं था ऑरेंज जूस कुछ नहीं. तो मेरा बस एक दोस्त था, वो था श्रवण ग्रुप में से, और बाकी मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, मैं उनको वीडियो में लेता था. सो मेरा एक दोस्त था जो मेरे वीडियो शूट और एडिट भी करता था. तो मेरे धीरे धीरे आई गॉट अ कैमरा, करेक्ट, कैनन 200D मैंने लिया था. आई स्टिल रिमेंबर मम्मी के कार्ड से EMI पे मैंने लिया था, 32,000 का वो कैमरा था. एंड इट वाज अ बिग डील कि 3 महीना मैंने मनाया मम्मी को कि मुझे ये करना है. तो कैमरा से भी कर सकते हैं हम शूट, क्योंकि यूट्यूब मैंने चालू किया था, अभी यूट्यूब फ़ोन पे. और मैंने धीरे धीरे वो फ़ोन से मैं iPhone 5S एक था वो उस पर स्विच हुआ. correct, correct. तो फिर उसके बाद iPhone 7 पे भी स्विच हुआ. तो ये सब मम्मी से रिक्वेस्ट कर कर के कैसे कैसे मुझे वो मिल गया. एंड देन मैं शूट करता था, मैंने सेविंग करके भी एक माइक भी लिया रोड का. तो वो करके मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाना भी चालू किए और मैं महीने में एक डालता था. इंस्टा पे भी अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ग्रोथ नहीं था बट साइड में पढ़ाई भी चल रहा था. मेरा सेकेंड ईयर था, फिर थर्ड ईयर आ गया. बट एक पॉइंट ऐसा है, फिर मैं 10,000 फॉलोअर्स हो गया. तभी वो जो के आता है सामने तुम्हारे फॉलोअर्स के सामने, जब के आता है तो इट वाज अ बिग डील, क्योंकि तभी 10K पे एक स्वाइप अप करके फीचर आता था. करेक्ट, लाइक और फिर डायरेक्टली, हाँ तो डायरेक्टली उधर से लोग. पहले कैसे होता था, जब तक 10K नहीं है तू लिंक नहीं डाल सकता तेरे स्टोरी पे. करेक्ट, तो मैं क्या करता था, मेरे बायो में लिंक डालता था. देखो लाइक लिंक इन बायो, लोगों को बोलना पड़ता था कि प्लीज गो चेक इन लिंक इन माय बायो, वो सब. तो स्वाइप अप मैं खुश हो गया कि चलो अभी शायद यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज आएंगे. Correct. इतना फर्क नहीं पड़ा बट वो एक अलग फीलिंग थी के आ गया सामने. करेक्ट, तो फिर 10,000 से 11,000 एकदम धीरे बढ़े और मैं फिर स्टक हो गया. 6 महीना 11 to 11.2K पे मैं ऐसे ही था. और मैं क्योंकि वो क्या फेस था वो मेरे लाइफ का, कि सो थर्ड ईयर मेरा एग्जाम आने ही वाला था. इट वाज 2019 का एंड. व्हाट वर यू स्टडी? सो बीकॉम. सो आई रियली वांटेड टू डू BMM, क्योंकि मुझे लगा ये फील्ड में मुझे करना है तो BMM करना पड़ेगा मुझे, ऐसा सब. बट इंटरेस्ट भी था थोड़ा BMM, मुझे लगा कैमरा मीडिया एंड ऑल. बट 12th में मेरे को बहुत कम परसेंट आया तो वो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला वो, ठीक है वो सब. अभी आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत घर पे बहुत सुनाया था मेरे को कि वीडियोज ही बना दें यही वही वही. तो मेरी बहन भी है तो मेरी बहन भी बोली थी. तो मैं ऐसे एक दिन के लिए घर, एक दिन भी नहीं, 2 घंटे के लिए घर छोड़ के गया था, क्योंकि मेरे को बहुत घर पे सुनाया था, बहुत घर पे सुनाया था. एक मिनट, 2 घंटे के लिए घर छोड़ के गया. मेन पॉइंट क्या था मेरा, हाँ. कि घर वालों को समझना चाहिए कि वीडियोज की वजह से नहीं हुआ है, मेरे वजह से हुआ है. अच्छा. सो ऑनेस्टली आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड पढ़ाई में. अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई मत करो, फॉलो योर पैशन ओनली. पढ़ाई भी होता है भाई, लोगों को इंजीनियर भी बनना होता है, डॉक्टर भी बनना होता है, सबका अलग पैशन होता है. सब लोग अगर कंटेंट ही बनाएंगे तो फिर अपनी दुनिया चलेगी नहीं यार. इंजीनियर डॉक्टर भी जरूरी है, सब सब जरूरी है. बट वंस यू फाइंड दैट देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, फिगर आउट अ वे टू फॉलो दैट, आइदर एज अ प्रोफेशन और एज अ हॉबी. आप इंजीनियर बन के भी यू कैन डू क्रिएटिव थिंग्स, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग क्रिएटिव. बट इफ यू आर गुड एट योर स्टडीज प्लीज उसको छोड़िए मत. बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं हमारे और हम सब यही कहते हैं कि भाई सब लोग को पढ़ाई करने की भी जरूरत है. Exactly. फिर आप फिगर आउट करो पढ़ाई करने के बाद कि कुछ और करना है क्या अपने लाइफ के साथ. बट गो अहेड, सो यू थर्ड ईयर चल रहा था. हाँ, तो एंड साइड बाय साइड एक्चुअली आई यूज्ड टू डू. सो मुझे घर से तो पॉकेट मनी एक मिलती थी, एक अमाउंट, लेकिन थोड़ा मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा मिल सके तो. सो मेरे दोस्त का ही एक डॉग था, तो ही वॉज अब्रॉड, वो पढ़ाई करने गया था. तो उसका डॉग को मैं आई यूज्ड टू डू पेट सिटिंग एंड ऑल. ओके. तो मैं वॉक पे लेके जाता था उसको एंड ऑल. तो मैं ये एक साल तक मैंने ये किया मेरा पूरा. एंड ही पे यू अ लिटिल बिट ऑफ मनी. तो उसकी मतलब वो मेरे दोस्त की मम्मी होती थी बट शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड ऑल, तो टाइम नहीं मिलता था. तो उसको दिन में 3 बार, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 5 बजे, 3 बार I should take him for walk. Man, this is the coolest story I have heard in all of my episodes of the MJ show. Dog walking karke during the first years you made some money. That's amazing. Because I love animals and mujhe wo tha ek aur main aisa nahi ki usko ho gaya walk, theek hai abhi ho gaya chal phadavad bhag to.
मैं आधा आधा घंटा फेंकता भी था उसके घर पे, बिकॉज उसको कभी कोई कंटेंट पे लिया है क्या? जिसको नहीं, वीडियो में कभी नहीं लिया उसको, मैं स्टोरीज तभी बहुत डालता था। अच्छा, तो स्टोरीज में था। हाँ, वीडियो में कभी ऐसा लिया नहीं मैंने उसको, आई गेस नहीं लिया। तो वो हो गया, फिर वो फेस भी हो गया, और उसको देखकर मेरे को और दो तीन लोग ने बोला कि मेरे भी घर पे आओगे क्या ऐसा। तो उनका कभी कभी होता था कि दो तीन दिन हम लोग घर पे नहीं है, बस उसको राउंड पे लेके जाओ और खाना दे घर पे आके। मैं बोला हाँ ओके ओके। तो ऐसे करके एक थोड़ा थोड़ा मुझे जो मिलता था वो मिलता था, और उससे मैं सेविंग करके कुछ ये लेता, वरना वीडियो का कुछ तो सामान ले लेता। Nice. तो वो फिर हाँ, जब टी वाई ख़त्म होने आया मेरा, इट वॉज 2019 एंड दिसंबर कुछ था, नहीं दिसंबर नहीं, अगस्त कुछ था ऐसा। तो मेरी मम्मी बोले कि अभी ख़त्म होगा तेरा थर्ड ईयर, फिर आगे क्या प्लान्स है वो। बोला नहीं, मेरे को इसमें ही करना है, तो मैं शायद कोई फिल्म स्कूल में जाऊँगा या कुछ, मुझे थिएटर करना है, ड्रामा कुछ तो, क्योंकि मैंने कभी थिएटर किया नहीं है। Correct. तो मुझे करना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि अभी जब मैं देखता हूँ कि मेरे काफ़ी दोस्त थे वो फील्ड से, तो मुझे ऐसा लगता है यार मुझे भी करना चाहिए था, बट वो तभी टाइम मैच नहीं हुआ मेरा। Correct. तो फिर मेरे मम्मी मेरे को बोलती थी मेरी कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हम, तो सो दैट वो हो। तो मैं बोला नहीं मम्मी, ये सब फालतूगिरी मेरे को नहीं करना है, प्लीज़ ये मैं करूँगा ही नहीं, मैं देखेंगे अपन। हाँ। तो मेरे को हर वीक बोलती थी कि चल जाते एक बार, देखते तो क्या नुकसान है। तो एक बार मुझे भी अभी ये हो गया कि इतना बोल रहे तो मुझे जानना ही अभी कि क्या है भाई। हाँ। मेरा फ्यूचर तो गया, मैं सो ही डिड सम वो जो भी करते हैं वो किया। एक तो ही कुडंट गेस माय नेम, मैं खुद मैं रेडी था बोलने को कि ये मेरा नाम है, और उसको गेस करना था, उसके पास कुछ था। हाँ। सो योर नेम, उसने बर्थ डेट वो सब पूछा ना, तो उससे वो नाम गेस करने वाला था। बोले यू डोंट नीड टू नाम, मैं बोल सकता हूँ, वो गेस करके यू कांट प्रूव कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एंड ही कुडंट गेस, वो फनी पार्ट है। और साहिल बोला, बहुत कुछ बोला, सूरज वूरज, लेकिन सौरभ नहीं गेस कर पाया। तो एंड ऑफ द डे मुझे बोलना पड़ा उसको कि मेरा नाम सौरभ है। तो बस वो फ्लो फ्लो में बोला कि हाँ ये वो, मैं इसकी बहन भी अब्रॉड में पढ़ाई। इमेजिन इफ एट दैट पॉइंट इट्स नहीं यार तेरा नाम सौरभ हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे सौरभ रख दिया तेरा नाम। मैं वही मैं शॉक हो रहा हूँ कि भाई गेस क्यों कर रहा है, लेकिन तू मैं बोल सकता बता देता हूँ नाम वही। मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही है, मैं एक बार ट्राई भी किया गेस करने को, तो ही वॉज लाइक, और मम्मी भी मेरे को बोलती है उसको काम करने दो उसका, तो भाई ये टाइम पास करने के पैसे दिए क्या। तो फिर ही टोल्ड मी कि बहन अब्रॉड स्टडी कर रही है, तो ये इसका भी अब्रॉड होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगा, प्राइवेट में होगा, ही कैन डू दिस दैट, अच्छा पैकेज होगा, एंड ही ऑल्सो कैन गो अब्रॉड फॉर स्टडिंग, एंड ये वो कंट्री वंट्री भी कुछ तो बोला था। बोला इतना सब तेरे को पता है भाई, फिर शादी किससे होगी, एंड ये वो ये साल में क्या होगा, वो सब बोला। ठीक है सब हो गया। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी अभी मेन जो है वो पूछो कि ये फील्ड में होगा कि क्या मतलब। तो मम्मी ने पूछा कि इसको एक्टिंग ची आवड वगैरह है याला, तो काय म्हणजे होईल का असं काय। तर वो स्टिल रिमेंबर दैट ही डिडंट से नो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक सेकंड में बोला वो। मतलब समझो अगर तभी मैं होता कुछ, ठीक है समझो मैं होता फेमस, होता एक्टर होता, और तभी मैं उसको पूछता, अभी मेरे को मन करता अभी जाके मैं उसको एज अ नॉर्मल पर्सन पूछूं कि हाँ मेरा एक्टिंग में कुछ होगा क्या, मेरा इंस्टा पे कुछ होगा क्या अभी। और अभी वो ना बोलते तो मैं उसको ये देख भाई हो गया थैंक यू। तो ऐसा बोला वो, और मैं बहुत ये हो गया कि एक मिनट। तो वो बोला कि एज अ हॉबी कर सकता है तू कंटिन्यू साइड बाय साइड, बट इसमें करियर एज अ करियर ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये वो ऐसा सब। तो मम्मी तो खुश खुश, मतलब मम्मी को यही चाहिए था कि मैं समझूँ कि मेरा इसमें किसी और से सुनाई दे तुमको कि भाई ये नहीं करने का अच्छा। हाँ ये फील्ड नहीं होगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली ऑब्वियसली यार अंडरस्टैंडेबल, वो फील्ड में जाना एक तो ईजी नहीं है। करेक्ट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ऑल्सो कि सब छोड़ के, क्योंकि दैट कैन नॉट बी योर प्लान बी एक्चुअली। करेक्ट, तुझे बहुत एफर्ट्स डालने यहाँ पर, यू आर राइट। तो मैं रेडी था, लेकिन घर वाले को सपोर्ट भी चाहिए ना। तो उसके बाद मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया। फिर छः महीने, वही मैं बोला 6 महीना मेरे 100 फॉलोअर्स भी नहीं बढ़े होंगे गिन के। तो मैं काफ़ी वो, आई वुडंट से आई वॉज डिप्रेस्ड, बट आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड, एंड क्या करूँ, महीने में एक दो वीडियो मुश्किल से मैं डालता था। एंड फिर मैं, फिर जब ये टिकटॉक आ गया, वो पहले म्यूजिकली था, फिर वो टिकटॉक आ गया, एंड मैं काफ़ी बिंज वॉच करता था टिकटॉक तभी, मतलब ऐसे ही रैंडम टिकटॉक्स देखता था, क्योंकि एडिक्टिव था वो काफ़ी, और तभी काफ़ी ट्रोल करते थे टिकटॉक को, एंड आई वाज वन ऑफ देम कि मैं भी करता था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर था। Correct. तो कभी कभी मैं भी मस्ती में कर देता था, लेकिन मैं इतना उसको बिंज वॉच करता था। फिर मुझे समझा जो क्रिंज पार्ट है वो इग्नोर करो, अच्छा कंटेंट, लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट। और मैं इतना पागल हूँ कि मुझे एक साल लगा ये रियलाइज होना कि मैं भी टिकटॉक पे ओरिजिनल कंटेंट डाल सकता हूँ। करेक्ट,
आई नो थोड़ा हिपोक्रिट हो जाऊंगा कि भाई इधर तू अभी ऐसा बोल रहा था, अभी टिकटॉक पे आ गया, बट फिर मैंने बोला मैं अच्छा कंटेंट डाल सकता हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं टिकटॉक पे वीडियो डाला मतलब क्रिंज है, मैं अच्छा वीडियो डाला थोड़ी मेरे को क्रिंज बोलेंगे. तो मैंने खुद के वीडियोस बनाना चालू किया और शॉर्ट फॉर्मेट 15 सेकंड से ही टाइम पास बनाता था मैं. सो 2020 जैन था, आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन टिकटॉक, वो सब हुआ. एंड एक इंटर्नशिप भी कर रहा था मैं एक फर्म के साथ, एक कंपनी था, स्टार्टअप ही था. तो मीडिया रिलेटेड ही था, वो लोग भी वीडियोस बना देते थे, तो उसमें मैं बस एक्टिंग करता था, स्क्रिप्टिंग करता था. इंटर्नशिप नो अनपेड, वो कुछ नहीं था. बट आई थॉट कि वो उन्होंने बहुत सपने दिखाए थे कि भाई हम बहुत बड़े होने वाले हैं, फेसबुक के साथ टच है. वो कुछ नहीं हुआ उनका भी और मेरा भी, उनके साथ लेके मेरा भी कुछ नहीं हुआ और उनका भी कुछ नहीं हुआ अब तक. बट वो ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस था और मैं काम में बिजी था, वो एक अच्छा था कि यू नो हु यू आर. यस, सीखने मिल रहा था. सॉरी. तो मैं बस टिकटॉक पे, फिर कैसे हुआ कि मेरे 7th-8th वीडियो ही मेरा 20,000 व्यूज गए टिकटॉक पे. टिकटॉक पे 20,000 एक कुछ नहीं है, आई वुड से कुछ नहीं है. बट तभी मेरे 20,000 जाना, क्योंकि इंस्टा पे कभी नहीं गए थे तभी. टिकटॉक पे 20,000 व्यूज एंड कमेंट्स आ रहे थे. और तभी आई स्टार्टेड एक नॉनसेंस, ऐसा मैं बोलता हूँ हर वीडियो, ठीक है, तभी हर वीडियो में बोलता था. तभी वो लोगों को पसंद आने लगा, वो लोगों को लोग कैच करने लगे और लोग कमेंट करते थे भाई इसमें नॉनसेंस क्यों नहीं बोला, इसमें भी बोलना चाहिए था, ऐसे सब बोलने लगे. और धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे. एक टाइम आ गया कि मैं बहुत वीडियोज़ बनाता टिकटॉक पर, बहुत एक्टिव था और इंस्टा पर भी पोस्ट करता था वही वीडियोज, ऐसे सब वो सब क्रॉस पोस्टिंग चल रहा था. फिर आ गया लॉकडाउन, मार्च 23 कुछ तो लॉकडाउन आ गया. और तब तक मेरे टिकटॉक पे कुछ 30,000-40,000 फॉलोअर्स हो गए थे, ठीक है, 3-4 महीने में इतने हो गए. करेक्ट. फिर लॉकडाउन आ गया, सबके पास टाइम था देखने, तो देखने को तो 2 महीने में सीधा 100K हो गए मेरे. ओह वाओ, ठीक है. टिकटॉक पे काफ़ी ग्रोथ हो गया, इंस्टा पे भी 2-4 हज़ार बढ़ गए, जो 11 पे अटका था फाइनली वो 15 तक पहुँच गया मैं. इट वॉज अ बिग डील तभी. तो लॉकडाउन में तो वो जो फेज था ना लॉकडाउन के, रील्स आने तक जो बीच में एक 3 महीने थे. करेक्ट. फिर टिकटॉक तो बैन हो गया. टिकटॉक बैन हो गया, करेक्ट. तो लेकिन डिड दैट रियली इम्पैक्ट यू, बिकॉज यार कंसिडरिंग कि शुरुआत की टिकटॉक में काफ़ी मेहनत की, फॉलोअर्स बढ़ाए, यू वेंट फ्रॉम वट एवर 0 to 10K to 20K, 100,000 फॉलोअर्स हुए, एंड देन टिकटॉक गेट्स बैन. हाउ डिड दैट अफेक्ट यू? लॉट्स ऑफ पीपल, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग को शायद नहीं ही पता कि मैं टिकटॉक पर भी था. करेक्ट. क्योंकि जब मैं टिकटॉक पर प्रॉपर एक्टिव था तभी मेरे कुछ 17,000 तक पहुंच गया था मैं, जब टिकटॉक बैन होने तक. और जो टिकटॉक पे तभी मुझे फॉलो करते थे उनको ही बस पता है कि भाई मैं टिकटॉक पे भी था. पर जब वो बैन हुआ तो आई वॉज लाइक, एक मिनट, अभी इतना आ गया था मैं कहीं पे और वापस बैन हो गया, तो अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ. सो मैंने तभी फटाफट, और एक नोटिस जैसा मिला था ना कि कल बैन होने वाला है टिकटॉक. करेक्ट. तो मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाल दिया कि गाइस बैन होने वाला है, प्लीज़ सब लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, प्लीज़ लाइव आई हुआ है मैं टिकटॉक पे कि प्लीज़ करो. और बहुत 1,000 फॉलोअर्स बढ़े वो एक रात में, और बहुत बड़ी बात थी तभी वो. तो फिर हाँ, फिर उसके बाद जब बैन हो गया तभी 2-3 दिन आया, जैसे 1 वीक में रील्स आ गया, फटाक से रील्स चालू हो गए, क्योंकि उनको मालूम था टिकटॉक खत्म, तो अभी वही टिकटॉक को इंस्टाग्राम वर्जन बना था, तो वो बेस्ट हो गया. तो मेरे पास इतने वीडियोस थे ना टिकटॉक पे. करेक्ट. मैं धाड़ धाड़ दो दिन एक एक दिन में दो तीन इधर डालते गया और व्यूज आ रहे थे और पब्लिक पागल हो रहा था पूरा कि भाई ये क्या कर रहा है, क्योंकि इतना वो नया था और कोई नहीं था. करेक्ट. कोई नहीं था. ये नीलकरण ये सब भी एक इनके साथ थे, भाड़ीपा के साथ कॉन्टेंट बनाते थे, वो भी इस पर बनाते थे, ऑब्वियसली इंडिविजुअल कॉन्टेंट था. तो बस एक गिने चुने लोग थे रील्स जब नया नया आया. करेक्ट. सो ऑब्वियसली पीपल, जो ऑडियंस है नॉर्मल ऑडियंस, उनको भी किस कुछ देखना है, उनको भी हंसना है, तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए. तो मैं इतने वीडियोस डालता था और इतने लोगों को पसंद आते थे ना, तो ऑडियंस ग्रैब बहुत फास्ट हो गया मेरा. कि ऐसा नहीं कोई एक वीडियो वायरल हो गया, हर एक वीडियो अच्छा लग रहा था लोगों को और वो रिलेटेबल लग रहा था. करेक्ट. और वो टाइम पे लॉकडाउन था तो उससे और रिलेट कर पाते थे वो. Correct. और लोगों के पास बहुत टाइम था तभी, बहुत टाइम था वो वीडियो शेयर करने का, देखने का, फिर फैमिली के साथ देखने का, ये वो सब, फैमिली को शेयर करो, व्हाट्सएप पे डालो, सब करते थे लोग. तो फिर धीरे धीरे करके मेरे इंस्टाग्राम पे भी 17 नवंबर मुझे डेट याद है 2020, एक रील्स आने के 4 महीने में इंस्टाग्राम पे मेरा 100K हो गए. नाइस. एंड इंस्टाग्राम पे 100K इज अ ह्यूज थिंग, ह्यूज थिंग. तो एंड वो जो मैं लिटरली एवरी डे आई यूज टू पोस्ट, एवरी डे मतलब एवरी डे, और
लोग बोलते थे एक दिन नहीं डाला तो डीएम्स आते थे, भाई आज क्यों नहीं डाला, वी आर वेटिंग, ये वो. लवली. एंड एक यूनिक कुछ उनको देखने मिल रहा था. आई यूज्ड टू प्ले माय डैड्स कैरेक्टर, मॉम, फिर लड़की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, तो वो सब करके. और फिर मुझे धीरे धीरे ब्रांड्स भी आने लगे. आई लव द कैरेक्टर दैट यू प्ले ऑफ योर डैड. हाउ डज ही फील अबाउट दैट? उनको कैसे लगा? ऑनेस्टली मेरे डैड वैसे नहीं है जैसे जो कैरेक्टर दिखा था. इज चिल, इज नाइस, ही इतना ऐसे चिल्लाते विल्लाते नहीं है, ऐसे मेरी इतना मेरी मारती नहीं हो कभी. ऐसा कुछ नहीं करते. ही इज नाइस, बट ये एक टिपिकल डैड होते ना. हाँ. उधर से मैंने ये ऐसे उठाया. आई लाइक दैट. बट अब क्या लगता है बाबा को व्हेन ही गोज टू हिज फ्रेंड्स एंड दे रिकॉग्नाइज योर कंटेंट एंड दे सी कि यार योर सन इज डूइंग ग्रेट स्टफ एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दोस वीडियोस. आई मीन इवन इफ ही इज नॉट एक्चुअली देयर, you are playing somebody who is your father. So what does he feel now that you know you've achieved so much success? So matlab unke friends, ek to mere mom dad bahut flex karte and obviously karenge, but bahut flex karte, matlab itna. aur mere ko khud ki tareef matlab acha lagta hai, but mere ko itna zyada acha nahi kyunki dusra ko bata rahe nahi. agar aap mujhe bologe ki mujhe bahut pasand hai tera kaam, mujhe bahut acha lagega. अगर मेरी मम्मी बोल रही है आपको कि ये करता है. हाँ. इतना इतना फेमस है ऐसा, वो मेरे को फिर वो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है. आई कैन इमेजिन. मैंने मम्मी पापा को बोल के रखा है मेरे सामने कभी ये नहीं करने का, फिर भी वो करते ही है. बोला अभी ठीक है, ऑब्वियसली इवन दे आर हैप्पी. नो बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, क्यूट थिंग है वो एक, यू नो, कि इवन नील कह रहा था, इवन यू आर सेइंग दिस दैट फॉर एस्पेशली फॉर महाराष्ट्रियन फैमिलीज, you want your child to do something very traditional, ki yes. engineering, doctor, you know, whatever, respectable jobs. और जब कोई अलग कहता है, like मम्मी ने astrologer के पास लिया, बोला कि ये तेरे लिए है ही नहीं. But now, you know, when you go flip the script and they are so proud of you and they are saying कि देखो मेरा बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, it's such a beautiful thing. I love that. So अभी मतलब मेरी मम्मी भी obviously सब देखती है, पापा भी देखते हैं content. तो मैं बहुत पॉडकास्ट में इसके बारे में बोला हूँ, मतलब इंटरव्यूज है इसमें एस्ट्रोलॉजर के बारे में. हाँ. वो एक मेन बोला हुआ था. तो मेरी मम्मी अभी मेरे को बोलते भाई प्लीज सॉरी इसके बारे में बोलना बंद कर दे, एक बार गलती हो गई हो, अभी बार बार उसके बारे में मत बोल, क्योंकि मम्मी को भी कैसे तो लगता है, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग वाला सीन है. काको हाँ लास्ट इंटरव्यू है चरण तर नहीं चरण तर मी कोरोना नहीं बोला नहीं नहीं हाँ तो अपन खूब वायरल करो हाँ वाला वीडियो अपन सगड़ना दाखो आता है चरण तर नहीं माजा पण मी प्रॉमिस देतो त्याला सांगेन की प्लीज बाबा दुसऱ्या इंटरव्यू मध्ये नका सांगू. ठीक गो अहेड. तो फिर मुझे आने लगे ब्रांड्स. सो 100K तक भी आई वॉज ऑन लिंक्डइन फाइंडिंग जॉब्स, क्योंकि श्योर नहीं था अभी तब तक ब्रांड्स ही नहीं आए, पैसा ही नहीं आ रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे ठीक है, पर कुछ पता ही नहीं ना इंडस्ट्री का, हाउ इट वर्क्स, कैसा है डिजिटल, कि पैसा आता है कैसे आता है, क्या करूँ, हाउ डू आई अर्न, एंड ऑफ द डे घर पे वही बताना है पैसा. तो फिर मुझे एक दो ब्रांड आ गए. मुझे फर्स्ट मेरा पहला ही ब्रांड लाइफ का था टिंडर. क्या बात है. तो मैंने एक अमाउंट बताया था उनको कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना मेन, मतलब कितना बोलूँ. सो वो ही सामने से वो अच्छा निकला. वो मुझे सामने से बोलता ब्रो दिस इज़ टू लेस ये वो. तो आई वुड जस्ट से मैंने बोला था 2000 ठीक है. हाँ. तभी मेरे थे कुछ 40,000 फॉलोअर्स. हाँ. तो मैं बोला 2000 ठीक है, मतलब बहुत है मुझे लगा वो. तो क्योंकि मैंने एक ब्रांड के लिए 500 रुपये पर वीडियो में बनाए वीडियोस ठीक है, तो मुझे 2000 तो भाई बहुत ही ज़्यादा लगे. और फिर वो बोला ब्रो टू इज़ टू लेस, यू कैन पिच फॉर फायर एंड ऑल. मैं बोला भाई ठीक है. फिर भाई मैं पागल हो गया. मम्मी को बोला कि मम्मी का वीडियो जो 5,000 मार मिलता है, मम्मी एकदम खुश एकदम. तो फिर मुझे समझा कि हाँ ऐसे शायद 2-4 और ब्रांड्स भी आ सकते हैं तो भी समझेगा फिर कैसे चलता है ये. फिर मुझे समझने लगा. देन आई गॉट साइंड विथ पॉकेट एसेस जो मेरी एजेंसी है. और फिर मुझे समझा एक मेरी एक वैल्यू है. करेक्ट. वो अभी वैल्यू नहीं बोलूँगा, बट फिर मुझे समझा कि ओ मैं जो बोल रहा था इज मच लेसर देन व्हाट इट. बहुत करेक्ट. और जो मुझे आज भी याद है, मेरा श्रवण था और एक दोस्त था मेरा, और मैं मेरे मैनेजर से बात कर रहा था, नया नया साइन हो रहा था. तो आई वॉज टॉकिंग टू अ गाय फ्रॉम द एजेंसी एंड आई जस्ट आस्क हिम कि कितना, मतलब एक रील का मैं कितना फिर बोल सकता हूँ ऐसा. तो एक पर्टिकुलर अमाउंट वो बोला एंड हम तीनों ऐसे हो गए. 30 सेकेंड साइलेंस था. वो बोला हेलो. मैं हाँ हाँ भाई हाँ हाँ. ये दोनों उधर बोल रहे भाई ये क्या हो रहा है. सो बिकॉज एक मैं हम पागल ही हो गए वो सुन के. बोला ओके 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 नाइस. हाँ मैं उसको ऐसे दिखा हाँ ओके ओके आई नो. उसको मैंने ऐसे दिखा कि हाँ आई नो ऑफकोर्स. तो होना ही चाहिए ना. सौरभ गाड़ी हो मैं इतना तो होना ही चाहिए. ऐसे मैंने प्रिटेंड किया लेकिन भाई
अंदर से बहुत हिल गया था मैं. सो तभी समझा कि यस, ये फील्ड में पैसा तो है. करेक्ट. और जितनी मेहनत की है मैंने 6 साल, इतना तो डिजर्व करता हूँ. मुझे पता चल गया. तो देयर इज नो सच थिंग एज एन ओवरनाइट सक्सेस. ओवरनाइट सक्सेस होने के लिए बहुत साल पहले मेहनत करनी पड़ती है. फॉर दैट वन नाइट उसके पीछे कितने रात होते हैं, दिन एग्जैक्टली कितना मेहनत, कितनी मेहनत हो रही है. ऑफ कोर्स देन फिर एक अच्छा फ्लो मिल गया. काफ़ी कंसिस्टेंटली वीडियोस डालता था, ब्रांड्स भी आ रहे थे, सब आ रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, नाइस, हैप्पी हैप्पी. एंड यस, उसके बीच में मैंने कहीं डाला था ऑरेंज जूस का वीडियो. करेक्ट. ठीक है, दिसंबर 2020 था. लव दैट वीडियो मैन. सी बाय द वे, टू प्रूव दैट वी आर नॉट कॉर्नी हियर, देयर इज नो ऑरेंज जूस ऑन दिस टेबल. हाँ, कितने जगह पे गए और वहाँ पे सब जगह पे ऑफर किया ऑरेंज जूस पीने को. मैं वही मैं सोच रहा हूँ, अब तक कैसे नहीं दिया इन्होंने. मुझे लगा शायद आएगा ही नहीं. यहाँ पे पानी रखा है यहाँ पे इसके पीछे. और मेरा एक डाइट कोक है, मैंने प्लान किया था कि आएगा ना, मैं मेरे मुंह से ऑरेंज जूस वर्ड्स आएंगे ही नहीं. इसने बोला ऑरेंज जूस तो आएगा, नहीं तो नहीं. बट गुड, मैं कहीं पर भी जाता हूं. I love that video man, it's so hilarious. बस ऐसे ही मूड आया ना, if I go to your handle and I just watch that orange juice video and it makes me laugh. पिन करके भी रखा है. हाँ देखा है, वही तो बता रहा हूँ, ऊपर में ही रखा है तुमने. क्योंकि जब ये वो वीडियो बनाया था, it was just another video, random video. हम एक विला पे गए थे. मैं सोच के हंस रहा हूँ अभी, मालूम है क्या. हम सब दोस्त, स्कूल के दोस्त, हम विला पे, एक विला पे चिल करने गए थे हम एक नाइट. एंड तभी ही मुझे आइडिया आई, वो ऑन द स्पॉट नहीं आया. गेस नहीं, नहीं सॉरी, एक दिन पहले आइडिया आई कि ये वीडियो करना है. मुझे बहुत टाइम से मेरे दिमाग में आइडिया था, बट कल करेंगे हम. तो एक फ्रेंड के गर्लफ्रेंड से बाथरूम लिया हम लोग ने, क्योंकि मैं बोला भी किधर बाथरूम पे खर्चा करूँ इतना. तो फिर लिया वो, और फिर वो वीडियो बना दिया इसी, जस्ट रैंडम वीडियो. और फिर उसके अगले दिन मैंने डाल दिया. और जब वो डाला तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे. व्यूज़ इतने नहीं आ रहे थे, शेयर्स लोग इतना शेयर नहीं करते, बट जो मेरा ऑडियंस था उनको बहुत पसंद आया वो वीडियो. एंड एवरीवन वाज लाइक ऑरेंज जूस, लॉल, द वे यू सेड ऑरेंज जूस, द वे यू सेड ऑरेंज जूस, इससे बहुत कमेंट्स आए. बोला ओके, नॉर्मल वीडियो, मैं नॉर्मल ही हूँ कि भाई बजा दिया, ऐसा कुछ नहीं, भाई ट्रेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा. और वो हिसाब से भी नहीं डाला था कि भाई इसको वायरल करना है. एंड ऐसे ही होता है यार, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही वायरल होती है. कोई ऐसे वायरल करने के हिसाब से डालो तो शायद मोस्टली नहीं होता यार. करेक्ट. तो फिर वो होने लगा, और एक दो महीने के बाद भाई लोग, रैंडम लोग मेरे को ऑरेंज जूस बोल रहे हैं. मतलब ऑरेंज है ऑरेंज जूस, अभी तक ऑरेंज जूस दूर दूर से लोग चिल्लाते हैं. और अभी कहीं पर भी जाते हैं हम, फेस्ट पे, इवेंट पे, तो वहाँ पर भी अभी तो ओके, अभी तो गैंग का नाम भी ऑरेंज, अभी गैंग का भी नाम है. लेकिन तभी इट वॉज क्वाइट न्यू. और तभी एक दो बार मैं कहीं क्लब या पार्टी गया तो भाई लोग ऑफर कर रहे हैं ऑरेंज जूस पीने को. ऐसा सब भी चल रहा है. मतलब कोई आता है ड्रंक, बोलता है ब्रो बिग फैन यार, ब्रो यू हैव टू ड्रिंक ऑरेंज जूस विथ मी टुडे, वो ऐसा सब भी बोल होता है. तो ये ऑरेंज जूस के नाम से मैं काफ़ी जानने लगा, पहचानने लगा वैसे. और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंडम ऑरेंज जूस से क्यों हो रहा है. मेरे को आज भी करण जो है वो बोलता है भाई तू मैंगो जूस बोलता, आज मैंगो तो मिलते हमें, भाई ऑरेंज क्यों बोला. क्योंकि इनको नहीं पसंद भाई ऑरेंज खाना. ठीक है, मतलब अभी मैं क्या करूँ, मेरे को मेरा फेवरेट फ्रूट है इसलिए मैं नहीं बोला था भाई. ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि आई विल बिट्रे ऑरेंज जूस, ऐसा कुछ नहीं है. बट या ऑरेंज जूस अभी वो बन गया है एक ऐसा ब्रांड जैसा बन गया है. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ विच, नील ने उस दिन बताया था, ही मेंशन द ऑरेंज जूस गैंग. नंतर सांगतो लाइक बाद में की शुरुआत कैसे हुआ, बट ये आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क मिले कैसे, हाउ डिड द ऑरेंज जूस गैंग गेट फॉर्म्ड. तो यस, तो मैं और श्रवण तो साथ में ही थे. एंड श्रवण कॉन्टेंट क्रिएटर था ही नहीं कभी. ठीक है, वो मेरे साथ ही काम करता था एंड यूज टू बी इन माई वीडियोज एंड ऑल. बट मैं उसको बोला कि भाई काम कर, तू भी चालू कर दे. अब क्योंकि तभी बहुत लोग आ रहे थे, रील जब से आया ना. करेक्ट. काफ़ी लोग, टैलेंट बहुत लोग का दिख रहा था कि, एंड इट वॉज अ गुड थिंग कि बहुत लोग का कुछ कुछ आ रहे थे, कुछ भी क्रिंज वाले भी आ रहे थे, कुछ भी बनाने वाले, कुछ भी डालने वाले, बट अच्छे लोग भी आ रहे थे. मैं बोला श्रवण तू भी चालू कर दे, क्योंकि ही यूज टू हेल्प मी विथ कॉन्टेंट आइडियाज ऑल्सो समटाइम्स. बोला तू भी चालू कर दे. फिर हम दोनों नील करण को मिले. सो ऑनलाइन ही बातें हुई हमारी कि वो मुझे, मैं नील को फॉलो किया, करण ने मुझे फॉलो किया, मैंने उसको फॉलो बोलो वो सब. एंड करण मुझे बोला एक वीडियो बनाएगा क्या, तो हम लोग ने एक वीडियो बनाया वर्चुअली, क्योंकि तभी लॉकडाउन था. फिर नील और मैंने एक बनाया, और फिर हम लोग रियल लाइफ में मिल गए. और मैं और श्रवण थोड़े से हम लोग इंट्रोवर्ट टाइप्स थे, क्योंकि ऐसे, और ये करण और नील भाई बहुत एक्सट्रोवर्ट है. तो ये फील्ड में आके मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट से एम्बिवर्ट बन गया हूँ. तो एक्सट्रोवर्ट मुझे नहीं लगता मैं कभी बन पाऊँगा, एंड आई डोंट, बनना भी नहीं है. मैं बोला ठीक है, जैसा है जैसा है वैसा है. अभी आई डोंट वॉन्ट टू प्रिटेंड कि भाई मैं ये हूँ. तो हम लोग चुप, क्या बात करें नील करण से, हम लोग गाड़ी में ही बैठे, ये कोई ऑफिस में जा रहे थे किसी काम से, हम लोग ऐसे मिले, हम लोग भी गए. तो
तभी हम लोग का प्रॉपर मीटिंग हुआ और तभी सिद्धांत शुभम का इतना कुछ था नहीं हम लोग के साथ, तो सिद्धांत को भी फिर नील ने एक वीडियो बनाया था 100K का, उसका सेलिब्रेशन, तो तभी शुभम भी आया उसमें, सिद्धांत भी, और ऐसे बहुत क्रिएटर्स आए थे। तो ऐसे करके हम लोग रैंडम वीडियोस बनाते थे साथ में, और फिर कुछ कुछ लोग के साथ बनाते थे, फिर छः ही थे, दैट वॉज द कोर सिक्स, छः ही रुके बनाते थे, ऐसे करके करके गैंग बन गई। Nice. कुछ नाम नहीं, कुछ नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्या नाम था मुझे याद भी नहीं आ रहा, ऐसे रैंडम एक ग्रुप था, लेकिन हम लोग साथ में बनाते थे तो यू गाइज बहुत हो रहा था, यू गाइज आर ग्रेट, यू गाइज आर किलिंग इट, ये वो, और हम लोग ने नाम सोचा भी नहीं, तो रैंडम ना फिर एक दो बार चालू हो गया कि ऑरेंज जूस गैंग, ऑरेंज जूस गैंग, ये वो ऐसा, तो हम लोग बोला, मैं बोला मेरे को तो चलेगा भाई मेरे नाम पे गैंग है, बट आई एम ओके विद इट। हम लोग ने फिर डिसाइड किया, बोले अभी देख भाई 100-200 लोग, 1000 लोग को तो पता चल गया, उन्होंने सोच लिया कि भाई ऑरेंज ऑरेंज जूस गैंग है। कल हम लोग बोले नहीं भाई, हम लोग भाई कोई बादाम गैंग है या वाटरमेलन गैंग है, ऐसा कोई गैंग है तो भाई वो लोग शायद नहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। हमारा ऑरेंज जूस गैंग डन, फाइनल करते हैं अपन ऑरेंज जूस गैंग। तो फिर वो गैंग बना एंड वी यूज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, लाइक वो जो गर्मी 2021 का जो समर सीजन था, एवरी डे वी यूज टू मीट, लिटरली एवरी डे, कलवा में जहाँ पर नील करण रहते, वहाँ पर एक पारसिक कैफे है, तो इट वॉज आर अड्डा टाइप्स, तो वहाँ पर हम रोज मिलते थे एंड वी यूज टू क्रिएट कॉन्टेंट पूरा दिन, नो ब्रेकफास्ट के टाइम से डिनर के टाइम तक वहीं पर, बैग वैग लेके आने का, सब शॉर्ट्स वॉर्ट्स में, और ये तो वो हम लोग बहुत करते थे। फिर हम लोग को अभी सबको धीरे धीरे ब्रांड सबको आ रहे थे अच्छे खासे, क्योंकि एवरी वन वॉज डूइंग गुड, एवरी वन वॉज ग्रोइंग, सो सिद्धांत तो ही वॉज डूइंग जॉब ऑल्सो साइड बाई साइड। फिर हम लोगों ने उसको बोला भाई छोड़ दे, तू बहुत अच्छा कर रहा है ये वो, फिर उसको एक अच्छा बड़ा ब्रांड आया, फिर छोड़ दिया उसने जॉब बोला भाई ये पैसे में मैं 4 महीना उधर काम कर रहा हूँ तो फिर ही तो हम लोग ने उसको मोटिवेट किया कि भाई तू अच्छा कर रहा था, यू कैन स्किप इट, क्यों कह रहे को भाई 12-12 घंटा काम करना है। करेक्ट। तो ऐसे करके हम लोग एक प्रॉपर ऐसे दोस्त भी बन गए, यू नो विद गैंग, वो प्रॉपर एक दूसरे को समझने लगे, जाने लगे, क्योंकि एज ग्रुप अलग है सबका। मैं श्रवण हम 23 है, लेकिन सिद्धांत इज 26, शुभम इज 26, ये दोनों तो भाई 30 साल के हैं, तो एक की फिर शादी भी हो गई, तो हम लोग काफ़ी एज डिफरेंस है, तो इनको हम लोग से बहुत कुछ सीखने मिला। करेक्ट। और हम लोग को भी इनसे ऑब्वियसली बड़े हैं तो बहुत कुछ सीखने मिला, तो वो एक सब मिला के कॉन्टेंट जो हम बनाने लगे ना, हम लोग ने एक किया कि उम्र सबका मैच हो रहा है और अच्छे से मैच हो रहा है उम्र, और सब है फनी है, ऐसा नहीं कि भाई कोई बहुत लेम है, ऐसा नहीं, सबका ह्यूमर मस्त है, अच्छा है, और फिर मज़ा आने लगा काम करते करते। फिर सबको साथ में भी ब्रांड्स आने लगे, यू नो एज अ गैंग ब्रांड पिच कर रहा था कि हमें वो सब चाहिए वीडियो पे, ऑल ऑफ यू। स्पीकिंग ऑफ विच, बाय द वे, फॉर एवरीबडी वॉचिंग राइट नाउ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ऑरेंज जूस गैंग का इंस्टाग्राम हैंडल, मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल और ये जो 6 मेंबर्स है हमारे, 6 अवेंजर्स है ऑरेंज जूस गैंग के, वो सब जूस वालों के भी नाम मैं नीचे रख दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन फॉलो ऑल ऑफ देम इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देम एज वेल। सो शो योर लव टू एवरीबडी इन द ऑरेंज जूस गैंग, द 6 गाइज एंड द ऑरेंज जूस गैंग सेपरेट हैंडल। वहाँ पे ना अलग वीडियोज मिलते हैं, जो इसके पेज पे नहीं है, जो नील के पेज पे नहीं है, जो करण के पेज पे नहीं, वो भी एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट मिलता है, या सेम वीडियो के ऊपर दूसरा नाम डाल के एक वीडियो बन जाता है। यू नो हाउ डू यू लुक एट वन थिंग फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, वो सीखने को मिलेगा इफ यू फॉलो द ऑरेंज जूस गैंग, क्योंकि नील के उसके ऊपर वो वीडियो देखोगे तो इट सेज समथिंग, इधर पे देखोगे तो वही वीडियो इज सेइंग समथिंग एल्स, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, चेक इट आउट, फॉलो दैट। सो ऑरेंज जूस गैंग गॉट फॉर्मड एंड ऑब्वियसली यू सेड ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग the complete gang, like सबको सबके साथ काम करने का है, yes, yes. That's happening nicely. But in your journey, we kind of deviated because मैंने पूछा कि ऑरेंज जूस गैंग कैसे फॉर्म हुआ, but you said, you know, lockdown के दौरान you started putting up content. When was that sort of breakout moment for you during the lockdown? Something, ये ऑरेंज जूस वीडियो तो था, था was this the reason that your numbers went from 100,000 to like crazy? I'll tell you honestly कि भाई बहुत लोग का ऐसा होता है, मैंने बहुत लोग को ऑब्जर्व किया कि एक वीडियो इतना वायरल जाता है कि भाई वो लोग काफ़ी फॉलोअर्स आ जाते हैं उनके पास। करेक्ट। ये वो, मेरा ऐसा नहीं था, स्लोली मल्टीपल वीडियोस, यू नो मैं बहुत अलग अलग कंटेंट बनाता था, एक बहुत सारे ट्रेंड्स मैंने चालू किए थे एंड पीपल यूज टू लव देम। अभी सब नहीं करता उसमें से, कुछ कुछ ही कर रहा हूँ मैं, बट आई रियली वॉन्ट टू ब्रिंग देम बैक। बट अभी ऐसा है कि बहुत लोगों ने वो कॉपी वॉपी किया है, जो भी कॉपी जो भी बोलना है वो जो भी है,
बट बहुत लोगों ने कर वापस किया है वो एंड आई डोंट वांट कि भाई ये मैंने चालू किया है वो बट क्योंकि मेरे को एक डीएम आया था विच यू नो टच्ड माय हार्ट कि भाई अगर तू रोकेगा तो कोई ना कोई तो चालू करेगा ना तो वो मुझे हिट हुआ कि भाई हाँ ये भी है कि मैंने एक साल से वो ट्रेंड पर नहीं बनाया किसी और ने पिक कर लिया बिकॉज ऑडियंस को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए कॉन्टेंट चाहिए अगर समझो ये वो कंटेंट मैं नहीं दे पा रहा हूँ उनको दे विल गो टू हूएवर एल्स इज गिविंग इट क्योंकि अभी इतने लोग हैं और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अभी इतने लोग हैं ना तो पब्लिक के पास ऑप्शंस बहुत है तो ठीक है ये दोनों अभी नहीं बना रहे कंटेंट इनके पास जाते हैं ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं सो टू स्टिक इन द यू नो स्टे इन द लीग जो भी लीग व्हाटएवर यू कॉल इट वो उसके लिए भी यू हैव टू डिलीवर कंटेंट अच्छा कंटेंट तो ऐसा कोई मेरा एक ब्रेक थ्रू तो नहीं था बट काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ वायरल गया और काफ़ी यू नो सेलिब्रिटीज़ हो या कोई भी हो मुझे नोटिस करने लगे सो ऐसे मैं पागल होता था वेरीफाई अकाउंट का जब फॉलो आता था यू नो डिवाइन स्टार्टेड फॉलोइंग मी देन श्रेयस अय्यर स्टार्टेड फॉलोइंग मी आशीष चंचलानी ये सब तो मैं पागल हो गया था जब क्योंकि आशीष का मुझे डीएम आया था ही वॉज लाइक यू आर डूइंग टू गुड ये वो तो मैं रोने लगा तो ऐसे काफ़ी मोमेंट्स थे जो तभी नया था ना सब एकदम काफ़ी नया था एंड ऐसे बड़े यू नो जिनको देख रहे बचपन से वो लोग जब बोलते यू आर डूइंग गुड नो आशीष एंड भुवन ये तो मेरे आइडल थे है और हमेशा रहेंगे क्योंकि उनको देख के लेजिट आई हैव स्टार्टेड दिस एंड आई हैव लव दैट स्टेड कि रुका हो ऐसा नहीं कि सिर्फ चालू किया कि एक होप लेके रुका था कि भाई इन्होंने भी स्क्रैच से चालू किया क्योंकि आशीष जब इंस्टा पे 100 के थे तब से आई एम फॉलोइंग हिम नाउ ही इज तो मैं बोला अगर ये लोग भी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी करेक्ट तो उनको देख के आई वाज ब्यूटीफुल या सो आई लव द फैक्ट दैट नील के साथ भी यही हुआ और आज सौरभ के साथ भी यही हुआ है वी स्पेंट अ ब्यूटिफुल टाइम टॉकिंग अबाउट देयर ओरिजिन स्टोरी एंड आई लव दैट देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम द टू ऑफ देम जैसे मैंने कहा एक थर्ड पार्ट आएगा फिर एक फोर्थ पार्ट आएगा इस कहानी का आई एम गेटिंग करण हियर वेरी सून एंड आई वॉन्ट श्रवण ऑल्सो बाय द वे श्रवण इज हियर शाउट आउट टू श्रवण उसको एक फोटो में यू विल सी हिम इन अ फोटो वेरी सून ऑन इंस्टाग्राम वी विल पुट इट अप सून But for everybody watching right now, if you've been inspired by their story, if you love what they do, zarur unko follow karo. And by the way, Saurabh ka YouTube channel hai. I'm sure a lot of you already know about it. But for those of you who don't, wo YouTube channel ka link bhi main yahan pe description mein de dunga. To usse bhi please jaake subscribe kariye. I got to compliment you. Maine abhi recently tumhara wo Chroma wala video dekha. If applications could yes, YouTube. YouTube pe jo lamba wala tha. I thought that was genius. Just the way You scripted a story where until the end, मालूम नहीं था कि ये एक ब्रांड कोलैब है. I thought that was genius. And that's the kind of content which will actually connect with audiences. Yeah. कि भाई ब्रांड के बारे में भी बात करना है तो सिर्फ ये नहीं कि ब्रांड 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 ये देखो ये करो What you did was so fantastic. और तुम्हारे सारे जो दोस्त है आई थिंक नील छोड़ के सब लोग था ना हां नील तभी कहीं और था आई थिंक यू समवेयर एल्स सो एवरीबॉडी एल्स वाज देयर इन द वीडियो एंड द वे दे एक्टेड एंड द होल स्टोरी टेलिंग ऑफ दैट वाज फेनोमिनल अगर आपने वो सी आई नो देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑफ हिज दैट यू मे लाइक एंड यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ मुझे आपका फेवरेट वीडियो बाय सौरभ कौन सा है अगर यूट्यूब पे होगा तो उसका लिंक भी डाल दो मैं भी देख लूंगा और बाकी के लोग भी देख लेंगे या इवन इंस्टाग्राम करेगा लिंक डालो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम को प्रमोट करो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब को प्रमोट करेंगे बट द पॉइंट इज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट हिज कॉन्टेंट इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई एम श्योर वो भी तुम लोग सबके कॉमेंट्स पढ़ेगा सो बी नाइस टू हिम राइट लवली थिंग्स अबाउट हाउ हिज कॉन्टेंट हैज मेड यू स्माइल हैज मेड यू लाफ एंड शो सम लव टू एवरीबडी इन द गैंग what's next? What is the 2023 plan for Saurabh Gadge? ऐसा कुछ plan बड़ा नहीं है but yes YouTube. I'm going to expand my YouTube. अभी मेरे को YouTube पे because मैं काफ़ी short YouTube shorts जो होते हैं वो डालता था and I got a good number of subscribers. तो अभी I just want to you know utilize everything and have the resources. तो मुझे बस लोगों को अभी longer format भी देना है. Correct. लोग वो reels पे और इस पे बहुत जो अटके है सब अभी लोगों का थिंकिंग कैपेसिटी और ऑडियंस का देखने का कैपेसिटी भी एक मिनट तक ही है डेढ़ मिनट तक ही है तो मुझे अभी वापस वो लॉन्गर फॉर्मेट लाना है ऑब्वियसली इट्स नॉट रियली द ट्रेंड अभी बट येस इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड एटलीस्ट मेरा ऑडियंस भी वो देख रहा है ना आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ नए ऑडियंस तो आएंगे ही वो तो नो डाउट सो येस वो मुझे करना है एंड रिसेंटली
I've done a film also, so it can't really announce about it, but yes, mostly. Have you spoken about it on Instagram? No, no, nothing yet. ये हुआ आज का breaking news. आपको मालूम पड़ गया है Saurabh has acted in a film yes. which will release in this year. Itself. This year, yes, this year. Hindi, this Marathi. Hindi. क्या बात है यार big news suddenly यहाँ पे मैं बोलने वाला था क्या breaking news क्या देंगे आज के episode के लिए खुद दे दिया और एक और भी उसमें ही न्यूज है कि मेरे साथ करण भी है उसमें अरे क्या बात है एंड इट्स अ बिग अच्छा काफी अच्छा कैरेक्टर है मतलब लवली इट्स नॉट आई एम एक्साइटेड मैन आई एम एक्साइटेड फॉर यू सो यू गॉट दैट गोइंग यू गोना बी मेकिंग मोर कंटेंट ऑन YouTube Instagram पे तो यू नो यू आर ऑलरेडी किलिंग इट आई लव इट यू वेंट टू स्पेन रिसेंटली यू हैव बीन डूइंग सो मेनी कूल थिंग्स मैन आई लव ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स आई सी you started collecting sneakers. I saw your sneakers related video also. सब लोगों ने जो sneakers फेंके तुम्हारे ऊपर. Sneaker check for today. Let's find out what he is wearing. Let's find out what I am wearing. What are you wearing? So this is Nike Air Max. One. Concepts. So that's the mellow version of the concepts thing that he's wearing. I'm wearing the Nike SB Dunks, the white ones with the gum sole. Super comfortable shoes. And we're gonna do something very different. You're gonna be the first person with whom I'm gonna do this. This is a special segment that we're gonna be doing. We call this the MJ10. I'm gonna ask him 10 questions which have been carefully constructed by my team and me to find out more about him. At the end of those 10 questions, you'll feel like you know him even better. Chota chota fast answers. Ekdam fatafat bolne ka hai. So, time now for the MJ10. Fast questions, fast answers. End of this segment, humko shayad Saurabh ke baare mein aur bhi zyada maloom padega. Starting with this. The one sneaker that you would wear for the rest of your life. Agar kuch nahi rahega, ek hi sneaker. What would you wear? I have ek New Balance ka hai mere paas. Nice. Wo mera sabse mehenga bhi hai. Haan. Aur kisi ko nahi pasand wo. Achha. Uska looks. Sirf mujhe pasand hai. Aur wo comfortable hai bahut. You can see it on the screen right now. This is the New Balance sneaker that he loves. Second question, your superhero name. If you were a superhero, what would your name be? The Orange Man. I like it. What's the one thing you can risk your life for? Risk your life for? I guess content, man. I like that. YRF Spy Universe, you know, Pathan and the movies in that universe, or the Marvel Cinematic Universe? Oh, Marvel, yeah. Marvel, yes, of course. ये बचपन से देखते आ रहे हैं दोनों देखते आ रहे हैं बचपन से बट यस आई लाइक इट वन स्पोर्ट यू वॉच एंड योर फेवरेट क्रिकेट इंडिया तो है ही बट मुंबई इंडियंस लेवे देयर यू गो व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल कमेंट दैट यू एवर रिसीव्ड लाइक यू नो यू गॉट सो मेनी कमेंट्स फ्रॉम योर फैंस एक कोई ऐसा है जो यस एक हां एक ने कहा था सो ही वाज फ्रॉम बाहर से कनाडा से तो ही वाज लाइक आई वाज क्वाइट डिप्रेस्ड एंड ऑल बट literally came out of depression because of my videos. ऐसा एक comment था और उसने DM भी किया था मैंने बात भी किया था उससे उसके बाद I love the fact that your content has the power the ability to make people feel good not just about themselves but about life in general so congratulations on that very very significant important question coming up next वड़ा पाव और समोसा पाव मिसल पाव नहीं दिया ऑप्शन यार अरे यादोगन मन ने एक वड़ा पाव मग वड़ा पाव ठीक है मिस्टर पाव इज आल्सो अ गुड ऑप्शन आई विल कीप दैट इन माइंड वन कंटेंट क्रिएटर यू वांट टू वर्क विद जिसके साथ काम नहीं किया समबडी आउटसाइड ऑफ द ऑरेंज जूस गैंग सो काम किया तो है अभी जिसके साथ करना था भुवन बाम के साथ भी वीडियो किया है और आशीष के साथ भी किया है बट आई रियली वांट टू डू समथिंग मोर विद देम ब्यूटीफुल एनीवन ऑफ देम आइदर ऑफ बोथ लवली बेस्ट फैन मोमेंट इन योर लाइफ व्हाट आई मीन बाय दैट इज नॉट यू बीइंग अ फैन ऑफ समवन But okay. some fan meeting you, not comment ki baat nahi kar raha, somebody who meeting. Met you in person okay. and that was a special moment for you. Haan, ek mila tha mujhe, hum log ek studio ke bahar hi the, andheri mein and he was literally, you know, about to cry, he was shivering. Wow. And he was kafi, bahut zyada, aur wo DM pe baat karta tha mere se, usne mujhe dikhaya ki aap mujhe roj reply karte ho almost ye, wo mala, oh acha tu hai ye, okay nice, aur wo bhi, he was a content creator, but 500 followers ही थे उसके ही वॉज न्यू और काफ़ी छोटा था एक 16 ईयर्स ओल्ड तो वो काफ़ी एकदम ही शिवरिंग और रोने के कंडीशन में था और जा रहा भी फिर निकल रहा था तभी भी काफ़ी ये था तो आई गेव हिम अ हग एंड ऑल तो बहुत ऐसे बहुत स्पेशल क्यूट मोमेंट था वो मेरे लिए एंड लास्ट क्वेश्चन दिस इज अगेन समथिंग आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड
Obviously, orange juice. I thought maybe he's going to go away from it, but we got it finally in the right tone. But hey, thank you so much for being here with me. Thank you so much for inviting me. I had a great time chatting with you. I'm looking forward to your movie. I'm looking forward to everything else that you're going to be doing in the future. I want to wish you and the entire Orange Juice gang all the very best. For everybody watching right now, please, like I said, already मैंने बताया, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि you know, when you love somebody, the best thing that you can do, anyway, कोई तो पैसा देता नहीं आजकल content के लिए, सब कुछ free में मिलता है. Please follow them, share their content. आज का भी जो episode है, अगर आपको अच्छा लगा हो, जरूर सबके साथ share करिए, सौरभ की story लोगों तक पहुँचे, यही एक मकसद है मेरा. And this is something that we need to do, जरूरी है. प्लीज लुक इन टू योर कैमरा एंड टेल ऑल योर फैंस कि एमजे शो को भी सब्सक्राइब करे, मिहिर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे. यस यस प्लीज गाइस, जैसे इन्होंने मुझे प्रमोट किया तो मैं भी अभी इनको प्रमोट करूंगा. अरे डील नहीं, अरे नहीं दिया इन्होंने मुझको प्रमोट किया तो इसीलिए. ओके, ये दोस्ती बार्टर सिस्टम वो जो होता है दिस. सो प्लीज गाइस फॉलो द एमजे शो एंड मिहिर जोशी को इंस्टाग्राम पे भी गाइस फॉलो करो. एंड इज अ huge sneakerhead, तो guys sneakerhead जो अगर आप हो, अगर आपको भी sneakers पसंद है तो please guys follow this man. Thank you very very much. ये सब करना पड़ता है ना. देखो आप अभी 40 मिनट का conversation किया, उसमें कुछ plug नहीं किया, मगर end में exactly. ये करना पड़ता है. These are the things that you do and don't ever be ashamed of it. तुम लोग अगर content creator हो ना, जरूरी है अपने आप को promote करो. नहीं करोगे तो और कौन करने वाला exactly. और कोई नहीं है, खुद से ही मुंह खोलना पड़ता है बोलने के लिए. जितना दूसरे brands को भी promote करते हैं हम, खुद को भी प्रमोट करो. अपना एक ब्रांड बनना चाहिए. जैसे अभी इनका ऑरेंज जूस ब्रांड बन गया, सौरभ गाड़गे एक ब्रांड है, नील सालेकर एक ब्रांड है, जस्ट नील थिंग्स, करण सोनाव ने फोकस इंडियन एक ब्रांड है. ऑल ऑफ दीज गाइज हैव क्रिएटेड देयर ओन ब्रांड एंड यू गॉट टू डू इट, पुट योरसेल्फ आउट देयर. बट फॉर टुडे दिस इज प्रीटी मच ऑल द टाइम वी हैव. आई होप यू गाइज हैड फन. आई हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू सौरभ. थैंक यू सो मच. जबरदस्त, एकदम मजा आ रही. दैट्स प्रीटी मच ऑल द टाइम वी हैव. सौरभ गाड़गे, मिहिर जोशी सेइंग बाय बाय.